नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा। टेक स्टफ के एक और नए एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। यार आज तो लीक्स, रूमर्स, लॉन्च डेट्स, कंफर्मेशन से भरा पूरा है ये टेक स्टफ। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 2599 का आज की वीडियो को हम लाइक टारगेट लेके चलते हैं। और आज की न्यूज शुरू करते हैं सैमसंग के साथ। सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स। ग्लोबली भी लॉन्च होगी, इंडिया में भी ऑफकोर्स ये सीरीज आएगी। फ्लैगशिप सीरीज है और इस सीरीज को लेकर वैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल चुकी हैं। प्राइस, स्पेक्स, फीचर्स, लॉन्च डेट, कुछ नहीं बचा है सीरीज को लेके। एक चीज बची थी जो मैं आज आपको बता रहा हूं, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन है वो आज मैंने स्पॉट किया है FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, और दो यहां पे नई चीजें निकल के आई हैं। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी जो S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन होगा उसमें हमें वाईफाई 6E की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि यार आईफोन 13 जो सीरीज होगी उसमें वाईफाई 6E होने वाला है, बट उसको आने में तो बहुत टाइम है। सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज में हमें एक बहुत ही नई रेवोल्यूशनरी वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है। और कैसे अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की, तो ऑफकोर्स इसके प्रोसेसर या प्रोसेसर्स के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। ऑफकोर्स क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर तो इस स्मार्टफोन सीरीज में हमें देखने को मिलेगा किसी किसी रीजन में, बट बाकी की रीजन्स में हमें एक्सिनोस 2100 भी देखने को मिलने वाला है, इंक्लूडिंग इंडिया। और जब भी एक्सिनोस की बात आती है तो हम यार यूजली मतलब थोड़ा सा हमारा मुंह बन जाता है, बिकॉज वी यूजली वॉन्ट की यार स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स सैमसंग की तरफ से हमें इंडिया में भी देखने को मिले। अब यार वो तो सैमसंग मालिक उनकी मर्जी, जो उन्होंने करना है करें, बट यार यहां पे Exynos 2100 जो प्रोसेसर है वो Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। सिंगल कोर स्कोर है 1108, मल्टी कोर, घना अंग्रेज बने सर, मल्टी कोर जो स्कोर है वो है 3963। अगर आप इसको कंपेयर करो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के स्कोर्स के साथ, तो वहां पे सिंगल कोर स्कोर है 1135 और 3794 है मल्टी कोर स्कोर। सो यार सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन का 888 बेटर यहां पे परफॉर्म कर रहा है, और मल्टी कोर स्कोर में एक्सिनोस का 2100 जो प्रोसेसर है वो भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो दैट मींस यार यस ऑफकोर्स यू नो बेंचमार्क स्कोर्स आर नॉट एवरीथिंग, बट ऑन पेपर अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें, सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात करें, तो Exynos 2100 जो प्रोसेसर है एक अच्छा खासा प्रोसेसर होने वाला है। और कैसे आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ। Huawei ने आज चाइना में लॉन्च कर दिए हैं दो नए स्मार्टफोन्स, Huawei Nova 8 और Huawei Nova 8 Pro। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अलावा Huawei Enjoy 20 SE स्मार्टफोन को भी कंपनी ने आज चाइना में लॉन्च कर दिया, और बहुत सारे छोटे मोटे और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है, बट प्राइमरी यहां पे हाईलाइट थी ये दो स्मार्टफोन्स। Huawei Nova 8 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है 90Hz की रिफ्रेश रेट, और Huawei Nova 8 Pro में आपको कंपनी की तरफ से पहली बारी 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। दोनों ही स्मार्टफोन्स में Kirin का 985 प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 2+2 मेगापिक्सल वाला कलेश यहां पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें इन स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो वनीला नोवा 8 जो स्मार्टफोन है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है ₹32.99 से, दैट इज अराउंड ₹35,000। अगर नोवा प्रो की बात करें, नोवा 8 प्रो की बात करें, तो ₹39.99 इसकी प्राइसिंग रखी गई है चाइना में, दैट इज अराउंड ₹43,000। बाकी की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग, लाइव शॉट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और कैसे आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही फिंगर लिकिंग गुड न्यूज की तरफ। मैं बात कर रहा हूं KFC रेस्टोरेंट की। KFC के बारे में आपको पता होगा, बहुत बहुत स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह हमें देखने को मिलती है KFC की तरफ से, बट आज KFC ने एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। बहुत जमाने के बाद KFC ने इसको वैसे बहुत टाइम से हाइप करना शुरू किया था। फाइनली KFC का गेमिंग कंसोल, जो कि एक गेमिंग कंसोल नहीं है, ये एक फुल्ली फ्लेज्ड गेमिंग PC है, इसको KFC ने अनवील कर दिया है। इसमें आपको अच्छी खासी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जो नॉन स्पेक्स है KFC के इस कंसोल की। आपको यहां पे 240 हर्ट्ज तक की गेमिंग में सपोर्ट देखने को मिलेगी, 240 वॉट्स तक का आपको यहां पे आउटपुट देगा ये जो कंसोल है 4K टीवीज पे और 4K मॉनिटर्स पे। इसके अलावा एक सेपरेट कार्ट्रिज होगा जहां पे आप चिकन को डाल सकते हैं। सो इस कंसोल में से या इस टॉवर में से जो भी हीट वगैरह निकलेगी उससे आप अपने चिकन को भी प्रोसेस कर पाएंगे। लगाओ कितनी खतरनाक इनोवेशन यहां पे KFC ने की है। और इस कंसोल का नाम है KFC Console, KF Console, KF
I don't know, you get the point. नीचे मैंने लिख दिया है, इसका नाम ये है, और 2021 में हमें KFC की तरफ से first ever gaming PC भी देखने को मिलने वाला है। कैसा लगा आपको ये PC? वैसे अलग अलग लाल लाल रंग की यहाँ पे लाइटें निकलेंगी, बहुत ही क्यूट सा डिजाइन है। आपकी ओपिनियन KF कंसोल को लेके क्या है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। Realme ने फाइनली अपनी Realme Watch S, Realme Watch S Pro, Realme Buds Air Pro Master Edition, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया। और इवेंट खत्म करते करते Realme की X7 सीरीज को भी इन्होंने टीज कर दिया, XR नेक्स्ट ईयर उन्होंने वगैरह कुछ लिखा है। बट अभी के लिए अगर हम बात करें Realme के इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की, तो Realme Buds Air Pro की प्राइसिंग है 4999 रुपीज इंडिया में, Realme Watch S आपको पड़ेगी 4999 रुपीज की, दैट इज 5000 रुपए से एक रुपया कम। अगर इनके स्ट्रैप्स आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 499 रुपए में इसके जो सिलिकॉन वाले स्ट्रैप है वो देखने को मिलेंगे, और लेदर वाला स्ट्रैप अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगा 999 रुपीज का। और Realme Watch S का एक मास्टर एडिशन भी लॉन्च किया गया है, वो 1000 रुपए महंगा है, 5999 उसकी प्राइसिंग रखी गई है। दिखने में यूनिक सा है, एंड आई एम नॉट सो श्योर कि कितने लोग इस मास्टर एडिशन को खरीदना चाहेंगे। Realme Watch S Pro की अगर बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी रखी गई है अच्छी खासी 9999 रुपीज, दैट इज 10000 रुपए से एक रुपया कम। सो गाइस, ये चीजें आज Realme ने लॉन्च की है इंडिया में, इनकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ये तो हमें बता ही सकते हैं। बट आज की वीडियो का पोल भी आप लोगों के लिए, क्या Realme Watch S Pro की प्राइसिंग आपके हिसाब से कैसी है, इज इट वेल प्राइस्ड और इज इट ओवर प्राइस्ड, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi लॉन्च करने वाला है 28 दिसंबर को अपने Mi 11 स्मार्टफोन को चाइना में, और अभी भी अच्छा खासा टाइम है स्मार्टफोन को लॉन्च होने में, बट कौन वेट करता है लॉन्च डेट्स वगैरह का, है ना। सो राइट अहेड द लॉन्च यहां पे Xiaomi के Mi 11 स्मार्टफोन की प्राइसिंग लीक हो चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसकी लीक प्राइसिंग, 4500 युआन से इसकी प्राइसिंग शुरू होने वाली, दैट इज अराउंड 48000 रुपीज अगर आप इसको इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करो। सो ये जाएगी 5200 युआन तक, दैट इज 12GB रैम वेरियंट, और इसका जो 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग होगी 5200 युआन। मेरे हिसाब से लीक प्राइसिंग सही लग रही है, और आपको ऐसा ही प्राइस जो है Xiaomi के Mi 11 स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। और गाइस आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। जी हाँ, लावा भी जल्दी ही इंडिया में कुछ खतरनाक करने वाला है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको लावा की तरफ से जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और अभी के लिए लावा ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने प्रमोशन करनी शुरू कर दी है इस अपकमिंग प्रोडक्ट या इस अपकमिंग सीरीज को लेकर। और लावा ने अभी कुछ टाइम पहले ट्वीट किया, वो कह रहे हैं द टेबल्स आर टर्निंग एंड वी आर रेडी टू चेंज द गेम, स्टे ट्यून्ड बिकॉज यू हैव सीन नथिंग येट। लावा कह रहा है कि यार हम गेम चेंज करने वाले हैं, गेम बजा देने वाले हैं बाप, और तुम लोगों ने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा होगा। सो यस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, लावा की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें इंडिया में जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। आपका क्या गेस है वैसे, लावा की तरफ से ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं वन प्लस की तरफ। वन प्लस वॉच कब आएगी, ये भी बहुत टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ है, और फाइनली वन प्लस के सीईओ पीट लू ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अर्ली 2021, दैट इज मेरे हिसाब से Q1 2021 में वन प्लस वॉच जो है लॉन्च होने वाली है। अब हो सकता है कि यार वन प्लस 9 सीरीज के साथ वन प्लस वॉच लॉन्च हो, या उससे पहले ही वन प्लस एक सेपरेट लॉन्च इवेंट करके वन प्लस वॉच को लॉन्च कर दे। बट इन एनी केस, अगर आप वन प्लस की पहली घड़ी का वेट कर रहे थे, अब वो घड़ी जल्द ही आने वाली है। और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। बट बिफोर दैट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड वंस अगेन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। नीचे है लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा सकते हो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और आज की न्यूज खत्म करते हैं। पोको और Xiaomi दोनों ही ब्रांड्स, सम ब्रांड्स, भाई बहन जो मर्जी आप कह लो, इन रिश्तेदारों के साथ। सो पोको से शुरू मैं करना चाहूंगा। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि यार पोको के लैपटॉप्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं जल्दी ही, आई बिलीव मैंने ही सबसे पहले आपको बताया था। अब यार पोको का जो अपकमिंग लैपटॉप है उसकी बैटरी की डिटेल्स यहां पे लिस्ट हो चुकी है, सर्टिफाई हो चुकी है यूएल डेमको जी के द्वारा। यहां पे आपको 4545 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में 70 वॉट्स आर और 15.4 वीडीसी, ये होंगे इसके चार्जिंग इनपुट्स। तो यस, यहां पे आप सर्टिफिकेशंस वगैरह आनी शुरू हो चुकी हैं, दैट मींस पोको का
जो लैपटॉप है, पोटेंशियल लैपटॉप, पोको बुक, पोको लैपटॉप, जो भी इसका नाम है, वो हमें जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और गाइस वीडियो में खत्म करना चाहूंगा Xiaomi के Mi 10i स्मार्टफोन के साथ। Mi 10i स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, 5 जनवरी 2021 को ये स्मार्टफोन की लॉन्च है। बट इतनी देर का वेट हम क्यों करें? तो यहां पे यार Mi 10i जो स्मार्टफोन है उसके मेमोरी वेरिएंट्स और उसके कलर वेरिएंट्स लीक हो चुके हैं। नोटेबली Mi 10i स्मार्टफोन जो है मिडनाइट ब्लैक, पैसिफिक सनराइज और एटलांटिक ब्लू कलर वेरिएंट्स में हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा मेमोरी वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो Mi 10i दो वेरिएंट्स में इंडिया में लॉन्च होगा, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। अब ये जो लीक्ड फोटो है, हो सकता है इसके नीचे भी कुछ वेरिएंट्स के बारे में बताया गया हो, सो आई एम नॉट सो श्योर कि 256GB वाला वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, बट दो वेरिएंट्स यहां पे लीक हो चुके हैं। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि यार विच यूनिवर्स डू यू लव मोर, 4900 लोगों ने वोट किया और 88% लोग कह रहे हैं हम मार्वल को ज्यादा प्यार करते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद डीसी। आई एम अ डीसी गाय, मैं ओपनली बोलता हूं और मैं आप 12 लोगों में शामिल हूं। कोई बात नहीं, जो है जैसा है यही है। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो। यश जी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों के साथ शेयर किया, वो कह रहे हैं इन द लास्ट 4000 ईयर्स No new animals have been domesticated. Some interesting stuff that we all should know. So guys, ये थी आज की शाम की टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। Till then, God bless you all. Peace. जय हिंद।